मंगलवार को इंदौर से किसान ट्रेन को गुवाहाटी के लिए रवाना किया गया। ये किसान ट्रेन मध्य प्रदेश की पहली किसान ट्रेन है जो किसानों की उपज को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर रवाना होगी। इससे किसान की लागत कम होगी और आमदनी भी बढ़ेगी। इस ट्रेन को आज इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने हरी झंडी दिखाकर गुवाहाटी के लिए विदा किया। इस ट्रेन में करीब 180 टन प्याज लादा गया है जो कि असम के गुवाहाटी में पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से यह ट्रेन शुरू की गई है जो प्रत्येक मंगलवार को रवाना होगी। साथ ही प्याज के अलावा किसान अपनी दूसरी उपज भी एक राज्य से दूसरे राज्य काफी आसानी से पहुंचा पाएगा। देखिए, भारतीय रेलवे पे किसानों को प्राथमिकता देने के लिए हमारे माननीय रेल मंत्री महोदय ने एक प्लान किया था कि क्यों ना हम ट्रेन के मार्फत किसानों को के सामान को उनके जहां उनको ज़्यादा मुनाफा मिलता है वहां पे भेजा जा सके। उसके तहत ये रेल किसान रेल का संचालन किया जा रहा है और पश्चिम रेलवे के रक्षा मंडल पर ये पहली किसान ट्रेन का संचालन लक्ष्मीबाई नगर से गुवाहाटी के लिए हो रहा है। इसका मेन मकसद ये है कि किसान जो है अपने सामान को उचित दाम से भी उनको जहाँ मिलता है वहाँ पर अपने सामान को भेज सकते हैं। आज इंदौर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ किसान रेल का शुभारंभ पश्चिम रेलवे मंडल की पहली ट्रेन इंदौर से जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत में और जो हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने किसानों की आय कैसे बढ़ाना, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रेल मंत्री जी को, उन्होंने किसानों के लिए हमें किसान रेल उपलब्ध कराई है। आज हमारे यहाँ से 180 टन प्याज जा रहा है और ये भविष्य में संभावना है कि हमारे यहाँ लगभग 15 ट्रेनें और पश्चिम मंडल में चलेगी ताकि किसानों का उत्पादन हम जहाँ आवश्यकता